हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2012 में रिलीज हुई मूवी मूनराइज किंगडम को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। ये कहानी 12 साल के सूजी और सैम पर आधारित है, जिन्हें 12 साल की उम्र में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उन्हें पता था कि घर वाले कभी उन्हें प्यार करने की इजाजत नहीं देंगे, इसलिए वो दोनों घर से भागकर जंगल में जिंदगी जीने के लिए निकल जाते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें न्यू इंग्लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम सूजी को देखते हैं। सूजी अपने माता पिता के साथ रहती है। वो दोनों लॉयर्स हैं और साथ ही सूजी के तीन छोटे भाई हैं। सूजी अपने माता पिता के साथ खुश नहीं है, क्योंकि वो अपने बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। यहाँ सीन समर कैंप की तरफ मुड़ता है, जहाँ पर हम बहुत सारे स्काउट्स को देखते हैं। इन्हीं स्काउट्स के बीच हम सैम को देखते हैं। सैम इस समर कैंप में बिल्कुल भी खुश नहीं है। एक दिन चर्च की एक परफॉर्मेंस में सैम की मुलाकात सूजी से होती है। सैम और सूजी दोनों एक दूसरे को पहले ही नजर में पसंद करने लगते हैं, क्योंकि सूजी अपनी फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। और वही सैम एक ऑर्फन होता है। जब वो पैदा हुआ था, उसके बाद ही उसके माता पिता की डेथ हो गई थी। सैम और सूजी एक दूसरे से अब लेटर्स के जरिए बात करने लगते हैं। उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है और एक दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अपनी अपनी जगह को छोड़कर जंगल में रहने के लिए जाएंगे। इसलिए सैम अपने स्काउट मास्टर को एक लेटर लिखता है, जिसमें वो बताता है कि वो अब समर कैंप में नहीं रहना चाहता है। सुबह में स्काउट मास्टर को पता चल जाता है कि सैम समर कैंप से भाग चुका है। वही सीन सैम की तरफ मुड़ता है, जो अपनी नाव में जंगल में पहुंच जाता है। सूजी एक मैदान में उसका इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद सैम सूजी के पास पहुंच जाता है और वो लोग मैप की मदद से जंगल में आगे बढ़ जाते हैं। वो लोग जंगल में बहुत देर तक ट्रैक करते हैं। सैम को जंगल के बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि समर कैंप में उसे इसकी ट्रेनिंग मिली थी। वो अच्छे से जानता था कि जंगल में किस तरह सरवाइव करना है। शाम के टाइम तक सैम और सूजी चलते चलते बहुत आगे आ जाते हैं और जंगल में एक जगह रुककर वो कैंप लगाते हैं। सैम ने समर कैंप से जंगल में कैंप करने के लिए सारा जरूरी सामान चुरा लिया था। सैम का स्काउट मास्टर सैम के भागने के बारे में पुलिस को भी बता देता है और वो अपने सारे स्काउट्स को लेकर सैम को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाता है। एक तरफ स्काउट मास्टर अपने स्काउट्स के साथ उसे जंगल में ढूंढ रहा था, वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी सैम को बस्ती में ढूंढने लगती है। पुलिस सैम और सूजी के बारे में सभी लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन किसी से उन्हें सैम और सूजी के बारे में पता नहीं चलता। सूजी के माता पिता पुलिस को बताते हैं कि सैम उनकी लड़की को लेकर भाग गया है। अगले दिन वो लोग जंगल में उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर सूजी सैम का वेट कर रही। सैम और सूजी जंगल में स्काउट्स को अपने पीछे आते हुए देख लेते हैं, इसीलिए वो उस जगह से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आगे बढ़कर स्काउट्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस कोशिश में सूजी की वजह से सैम का एक स्काउट साथी जख्मी हो जाता है। ये देखकर बाकी स्काउट्स वहां से भाग जाते हैं। सूजी ने अपने सीजर की मदद से उस स्काउट को जख्मी किया था, इसलिए स्काउट मास्टर उसे जंगल से बाहर ले आता है। इसके बाद सैम और सूजी फिर से जंगल में आगे बढ़ जाते हैं और वो लोग बीच पर एक लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। इस जगह का नाम ओल्ड चिकचौ होता है। सैम और सूजी वहीं पर कैंप करते हैं। इस जगह पर सैम और सूजी को बहुत मजा आता है। वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत देर तक बातें करते हैं। बातें खत्म होने के बाद वो लोग एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और अपनी पहली किस शेयर करते हैं। रात में सैम और सूजी फिर से उसी टेंट में एक दूसरे के पास सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह जब वो जागते हैं तो उन्हें पता चलता है कि स्काउट्स, पुलिस और सूजी के माता पिता उनके पास पहुंच चुके हैं। पुलिस ऑफिसर शार्प सैम को एक लेटर देता है, जो उसके लिए उसके फॉस्टर पेरेंट्स ने भेजा। उस लेटर में उन्होंने लिखा था कि इस हरकत के बाद वो सैम को अपने साथ नहीं रखना चाहते। सूजी के माता पिता सूजी को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। वही पुलिस ऑफिसर शार्प सैम को अपने साथ लाता है। वापस पहुंचने के बाद शार्प एक सोशल सर्विसेज वर्कर को कॉल करता है, ताकि वो सैम को किसी ऑर्फनेज में डाल सके। लेकिन वो सोशल सर्विसेज वर्कर शार्प को बताती है कि सैम को बिहेवियर इश्यूज हैं, इसीलिए हमें उसे इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी देनी होगी। वहीं दूसरी तरफ सूजी की मदर सूजी को समझाती है कि उसे ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। जब तक वो सोशल सर्विसेज वर्कर यहाँ नहीं पहुंच जाती, तब तक सैम शार्प के साथ ही रुकता है। यहाँ सीन उसी समर कैंप की तरफ मुड़ता है,
जहाँ पर हम सैम के बाकी साथी स्काउट्स को देखते हैं। वो लोग आपस में बात करते हैं कि सैम उनका साथी है और इस वक्त सैम मुश्किल में है, उन्हें सैम की मदद करनी चाहिए, उन्हें सैम को भागने में हेल्प करनी होगी। वो रात में ही सूजी को उसके घर से भगा लाते हैं और रात में ही सैम को भी शार्प के घर से वापस ले आते हैं और रात में ही वो लोग उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह के लिए निकल जाते हैं। अगली सुबह जब स्काउट मास्टर जागता है तो वो देखता है कि उसके सारे स्काउट्स कैंप को छोड़कर भाग चुके हैं। स्काउट मास्टर जल्दी से ये बात अपने सुपीरियर कमांडर पियर्स को बता देता है। कमांडर पियर्स बच्चों को फोर्ट लेबनान में ट्रेन करता है और स्काउट मास्टर ने अपनी ट्रेनिंग यही से कंप्लीट की है। सैम, सूजी और उसके साथी स्काउट्स भी इसी फोर्ट लेबनान में आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक स्काउट का कजन काम करता है जिसका नाम बेन है। बेन सैम और सूजी को बताता है कि अगर वो दोनों चाहे तो वो उन्हें यहाँ पर एक बोट पर काम दे सकता है जिससे वो दोनों साथ रह सकते। वो लोग जल्दी से एक छोटी बोट पर आ जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी सूजी को याद आता है कि उसने अपनी दूरबीन कैंप में ही छोड़ दी है। उसकी दूरबीन को लेने के लिए सैम जल्दी से वापस कैंप में आता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। इस लड़के को पता था कि सैम कैंप छोड़कर भाग चुका है, इसीलिए वो बाकी लोगों को वहाँ पर बुलाता है। सैम वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन सभी स्काउट्स उसे घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर उसके दोस्त पहुँच जाते हैं और वो सैम को वहाँ से भगा कर ले जाते हैं। बाकी स्काउट्स जो सैम को ढूंढ रहे थे वो वापस अपने कैंप में आ जाते हैं और कमांडर पियर्स इस बात की खबर पुलिस ऑफिसर शार्प को देता है। अब थोड़ा टाइम बीत जाता है और लगातार बारिश के कारण इस जगह पर बाढ़ आने लगती है। कमांडर पियर्स और स्काउट मास्टर कैंप में मौजूद सभी बच्चों को लेकर उसी चर्च में आते हैं जहाँ पर सैम और सूजी की मुलाकात हुई थी। कुछ देर में वहाँ पर पुलिस ऑफिसर शार्प भी आ जाता है। इंस्पेक्टर शार्प देखता है कि सैम और सूजी भी इसी चर्च में मौजूद हैं। उन्होंने अपना भेष बदल लिया है। इंस्पेक्टर शार्प को देखते ही सैम और सूजी उस चर्च की छत पर चढ़ जाते हैं। शार्प उनके पीछे पीछे चर्च की छत पर चढ़ जाता है। उसे देखकर सैम और सूजी छत पर मौजूद टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं। सैम और सूजी एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो साथ ही जिएंगे और साथ ही मरेंगे। वो एक दूसरे को किस करते हैं लेकिन तभी शार्प वहां पर पहुंच जाता है। वो सैम से कहता है कि वो उसे गोद लेना चाहता है, वो उसे पालना चाहता है। सैम को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, इसीलिए वो सूजी से पूछता है। सूजी उससे कहती है कि तुम्हें शार्प के साथ जाना चाहिए, इसीलिए सैम शार्प का हाथ पकड़कर उस चर्च से नीचे आ जाता है। अब यहाँ सीन कुछ दिन आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि सूजी अब अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर में रहती है और सैम उससे छुप छुप के मिलने आता है। वो खिड़की के रास्ते से उसके कमरे में आता है और उससे मिलकर वापस चला जाता है। बाहर पुलिस ऑफिसर शार्प उसका वेट कर रहा था। वो उसकी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है और सूजी उसकी राह देखती है। और इसी के साथ ये मूवी यहां पर समाप्त होती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।